मीडिया में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को ये कहा था कि यदि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी में वास्तव में थोड़ी सी भी ईमानदारी व सच्चाई है और वे पूरे तौर से अपने आप को बेदाग व दूध के धुले हुए समझते हैं, तो फिर इनको अपने इस नोटबंदी का फैसला लागू करने से पहले के पूरे 10 महीनों का और 8 नवंबर के बाद का अब तक का भी अपने पार्टी का व अपने वरिष्ठ राष्ट्रीय नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेटों के बैंक अकाउंट में कितना धन जमा हुआ है और इस दौरान किन किन कार्यों पर कितना खर्च किया गया है, तो उसका भी पूरा हिसाब किताब मीडिया के जरिए पूरे देशवासियों के सामने जरूर उजागर किया जाना चाहिए। ये बात मैंने 27 दिसंबर को, शायद आप लोगों को मालूम है, आपके माध्यम से मैंने इन लोगों को कही थी। लेकिन अपने आप को हरिचंद व दूध के धुले हुए कहने वाले इस बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने अपने इस तमाम हिसाब किताब को आज तक भी मीडिया आदि में पूरे देशवासियों के सामने उजागर नहीं किया। इससे इनकी ईमानदारी व बेदाग होने का भी सही पर्दाफाश होता है कि ये लोग कितने ईमानदार हैं, कितने दूध के धुले हुए हैं और कितने बेदाग हैं।